वट वॉज यूर प्लानिंग या वो क्या एक स्ट्रैटेजी था या क्या बिलीव था वो मोटिवेशन था वो कहाँ से कैसे मिला कि यू एक्चुअली केम टू दिस लेवल एक होता है ख्वाब देखना कि करना है एक होता है करना शुरू करते हैं मैंने करना शुरू कर दिया हम एक कोर्ट यूज करते हैं हमेशा वी डेट वी बिलीव इन एवरी स्टूडेंट लर्न ग्रोज एंड थ्राइव इन दर ओन स्पेस एंड टाइम यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ सम पीपल अराउंड यू एवरी वन यू डोंट नीड टू अचीव समथिंग टू बिकम द इंस्पिरेशन हेलो एवरीबडी सो वेलकम टू आर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो तो इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे लड़के से बात की है जो एक बैक बेंचर से जो एक मीडिया स्कूल टाइम में वहां से लेकर के एक तक की जो जर्नी थी जहाँ पे आज के दिन में उनके जो कंपनी की वैल्यूएशन है इट इज अराउंड एट मिलियन डॉलर्स एंड सबसे शॉकिंग चीज ये है कि हिस एज इज जस्ट ट्वेंटी टू और इस पॉडकास्ट में हमने काफी उन तरीके की चीजें भी बात की है जैसे माइंड क्या होते हैं ऐसे ऑनट्रप्रोनर के एंड आई एम प्रेटी श्योर की आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए बिकॉज आपके सारे तरीके के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गुरुकुल राइट cool. right. वो आइडिया कहाँ से आया मतलब कि जर्नी कैसे आया हाउ गॉट स्टार्टेड मतलब कैसे हुआ सब चीज़ मतलब ऑल दिस थिंग्स हर बच्चे में एक जुनून होता है लाइक यू नो व्हेन दे आर इन देयर टीनेज इयर्स की कुछ बड़ा करेंगे राइट बनेंगे एस्ट्रोनॉट बनेंगे एंड वो जुनून हमारे आस की दुनिया से ही आता है वी कैन डेट फ्रॉम आर फैमिली फ्रॉम आई फादर्स फ्रॉम आर ब्रदर्स सो आई हैड जील कि कुछ तो करना है

Okay. कि अगर मुझे ट्यूशन चाहिए होती है, आपको बचपन में क्या किया है दो दिन आ रहे हैं कभी छुट्टी मार रहा है कभी पढ़ा रहे अच्छे से कभी नहीं पढ़ा रहे कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं कहीं भी टेस्ट हो रहे हैं तो भी थोट ऑफ फॉर्मलाइजिंग ट्यूशन मॉडल्स यहाँ पे हमने एक एग्रगेटर ऑफ ट्यूटर्स बनाया ट्यूटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे हम कॉलेज में हमने होंगे, right? सारे जो कॉलेज भी जाते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो दीज आर लर्नर ट्यूटर्स बेसिकली जो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं लर्नर एजुकेटर्स कहते हैं उन्हें सोई टू एग्रीट एट वन प्लेटफॉर्म एट गुरुकुल Which we received, कि हमें ट्यूशन चाहिए जहाँ पे हमारे एक गुरुकुल्स एक टीचर जा रहे हैं <laughs> so उनके अटेंडेंस okay. तो एंड जो टीचर का इंटरेक्शन हो रहा होगा रेगुलर पीटीएम्स होंगे काउंसिलिंग सेशन हो रहे होंगे ये आठ से पाँच साल पहले नहीं था राइट हमें नहीं पता हम एज किड्स एट क्लास नाइन्थ हर बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है मे बी थ्रू पीयर टू पीयर कॉम्पिटिशन मेरा दोस्त फर्स्ट टॉप करता है मैं नहीं करता फैमिली uh, का प्रेशर कि नहीं बच्चा डॉक्टर बनेगा uh, घर में मे बी कुछ क्लाशेज uh, हो रहे हैं उसका प्रेशर तो मैंटली बहुत बहुत इफेक्ट करता है बच्चों को तो हम क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं मेंटली प्रेजेंट नहीं होते राइट तो वी ब्रॉड एंड दिस काउंसलिंग मॉडल जहाँ पर बच्चे से काउंसलर्स रेगुलरली मंथली आकर इंटरेक्ट कर लूँगा एंड बात करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप फेस कर रहे हो

okay but when you a topper or a mediocre or i also uh, i would say uh, baggender average student okay yeah bahut kam mark bhi nahi to the top list mein bhi nahi ha i was basically 85 90 percentile max aisa rehta tha that's and actually that's actually a good student i ka uh, mediocre ab meri family thodi si zyada uh, i belong to very like i belong to professor's family mera okay. bhai elder brother was in an iit and my sister data scientist तो हमारे घर में 85 90 वालों को एवरेज बोला जाता है <laughs> तो मैं आई कंसीडर मायसेल्फ एब्रिव एवरेज स्टूडेंट में भी फिर तो, तो अच्छा 85, <laughs> 90, big, such, so mother, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा मेरे घर में तो टॉपर लिस्ट में आया होता अच्छा 90 सच वेरी बिग आई थिंक दैट्स वेरी सच मतलब बड़ा मार्क्स वो बिकॉज़ घर का प्रेशर रहता था कि yeah, बड़ा भाई मैं पापा सब लोग ऐसे हैं तो हां बट आई वाज अ बैकबेंजर टू

Either, there are two या तो आप पानी में कूद जाओ और फिर चना सीखो okay. right? और आप सीखते रहो सीखते रहो फिर आप जाएंगे आप

जैसे एक, दिन, एक 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 दिन बन रहा 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 है आ है 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 एनर्जी आ आ अंदर से मोटिवेशन कि कि यार कुछ 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 ऐसा करना कुछ बड़ा करना बड़ा बनाना भी भी अपने पास है। ये भी पता है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए एग्जीक्यूट के लिए बट वो ना वो मोटिवेशन एक दिन में खत्म हो जाती है लाइक नॉर्मली वॉट यूथ शुड भी डूइंग वो चीज़ एक बने रहा है कंसिटेंसी कैसे मेंटेन रहे वी नो के कंसिटेंसी इज दू सक्सेस बट हाउ टू मेंटेन इट हाउ वॉट हेल्प में कंसिटेंसी टू आई मीन टू थिंग्स एक आपको बहुत लोग देख रहे हैं जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं ओके okay. जो आपको देख के शायद आप हर इंसान का सोशल सर्कल होता है राइट आपका मेरा हमारा और हमारे पड़ोसियों होते हैं हमारे कजन्स होते हैं हमारे दोस्त होते हैं जब हम अच्छा कुछ कर रहे होते हैं या हम ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जिस पर हम कॉन्फिडेंट होते हैं हमारे आस पास वो अफेक्ट करता है

हमारे एरिया के अराउंड जहाँ पे दो तीन सेंटर्स में अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे तो हमें तो लगा कि यार हम तो अच्छा कर रहे हैं छः महीने में, में पाँच सेंटर्स वाओ वी आर एक्चुअली वी, वी, वी आर, आर बेग हम हो गए हम सक्सेसफुल हो गए ओके okay. पैंडमिक आगे बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं अभी मत तो हमारे तब दो मॉडल्स चल रहे थे एक सेंटर मॉडल एक ट्यूशन मॉडल दोनों ऑफलाइन थे एक्चुअली ओके और पैंडमिक ने आगे दोनों को बंद कर दिया तो हमारे सेंटर्स क्लोज डाउन हुए और तब हमने प्रवेट किया मॉडल बेसिकली तो हमने एक सेंटर रोक रखा था अपना उस पर हमने बहुत मेहनत से बहुत पैसा लगाया था बहुत उसमें खुद हाथ से पेंटिंग्स की कर रखी थी तो उससे एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था तो पैंडमिक आ गया अराउंड पैंडमिक एक साल और निकल गया एंड वी आर पेइंग द रेंट ऑफ दैट सेंटर और हर महीने इकतीस पच्चीस तारीख को बैठ कर प्लान करना यार महीने का रेंट देना कैसे करना नहीं पता मैं तब तक एक बिलीव था कि नहीं करना ही करना हाँ तो हम उस जगह को नहीं छोड़ रहे थे ओके okay. तो बिकॉज वी यू आर सोच इमोशनल वर्क प्लेस टू सेंटर ने तो से बच्चे नहीं आए थे उन्होंने उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया तो इट वॉज ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन जब एक साल से ज़्यादा हो चुका था और हम रेवेन्यू नहीं कमा रहे थे बिकॉज अगेन सेंटर्स बंद हैं वर बिल्डिंग द प्रोडक्ट विच वी आर नाउ डूइंग इट तब वो हम टेक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे तो डिसाइड किया कि यार हर महीने रेंट देना डेट वॉज अज अमाउंट फॉर अस और एक रेंट भी काफ़ी इट वॉज कॉस्टली तो हाँ तो वही हमारे लिए हुआ था कि यार स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे बारह महीने से पैनडमिक सब कुछ क्लोज है रेवेन्यू हम कमा दे रहे हैं प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं अभी तक बुट स्ट्राफ कर चुके हैं सब कुछ hmm. फंडिंग उठा ही नहीं है एंड एवरी मंथ एक ये हेवी कॉस्ट पे करना वो सब समथिंग विच वी वर काइंड ऑफ विच वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम तो हमने बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया कि यार चलो सेंटर बंद करते हैं इससे ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे इसको वो एक फेज से हमने सेंटर क्लोज डाउन किया

तो एक्टेड डैट प्लेस एंड तब मैंने एक पापा से बात करके छोटा सा अपने घर पे नीचे आठ बाई आठ का रूम का परमिशन ले ऑफिस सेट किया कि कुछ करते हैं एंड वहाँ पे उस आठ बाई आठ के स्पेस में आठ लोग काम करते थे एक साइड टेबल पे चार एक कॉफ़ी टेबल पे चार पार्लर लोग देखे कभी दिल में दर्द होता होगा ना आज भी अगर वहाँ से जाते हैं तो बहुत दर्द होता है कि यार ये जगह अपनी थी शेट बट कोई नहीं एंड वो वहाँ से हम बाहर आए हमने uh, मैं अराउंड चार और लोग साथ बैठे द लीडरशिप टीम कि लेट्स बिल्ड इट यार एक महीने का टारगेट सेट किया विल रेज द फंड विल ओपन टू मोर सेंटर्स विल क्लोज डील्स विल लॉन्च द प्रोडक्ट एंड एक मेरे अपने रूम में हमने एक वाइट बोर्ड लगाया और डेली सुबह में आके हम लिखते नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू एंड वो मंथ एंड चल रहा था तो एटीन <coughs> नवंबर हमारा एंड काउंट हो रहा था तो डेली सुबह में आठ बजे नौ बजे हम ऑफिस आ जा रहे जो बजे तो उतर के नीचे आना होता था बिकॉज okay. मेरे घर पे था और सारे लोग आ रहे थे एंड वी स्टार्ट वर्किंग एक मैंने हमने सारे अचीवमेंट्स किए जो हमने प्लान किए थे दैट वाज आई वुड से अ मेरेकल अस जो हमने खुद भी सोचा नहीं था बिकॉज वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस हमने से किसी ने कॉपरेट में काम नहीं किया है हम सब कॉलेज में स्टूडेंट्स थे हम कॉलेज में कोई ड्रॉप आउट है कोई साथ का कॉलेज कर रहा है तो हमारे नेटवर्कस भी वही वाले हैं हमारे इन्वेस्ट नेटवर्कस नहीं है हमने फंडिंग रेज की हमने कन्विंस किया दो इन्वेस्टर्स को हमने काफ़ी सॉफ्ट कमिटमेंट्स लिए हमने सेंटर डील्स क्लोज किए एंड या तो वो एक फेज जो था हमारा फ्रॉम क्लोजिंग आर सेंटर टू रेजिंग आर फंड्स वो स्पेन थ्री मंथ्स टू तो फोर मंथ्स का था दैट वॉज अ वन ऑफ द लो फेज विच हैड आई मीन विच वी फेस्ड आई गेस वन ऑफ देम

आई वुड नेवर से कि मैं अगर एक यूनिफॉर्म बिल्ड कर देता हूँ तो मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया और उसने अगर लाइफ में नाइन टू तो फाइव जॉब करके उसने कुछ बड़ा नहीं किया बिकॉज उसके लिए वो एम्बिशन था उसका तो आई ऑलवेज बिलीव इन द स्टेटमेंट इज डूइंग ग्रेट इन ओन स्पेस एंड टाइम आई रिसेंटली मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स आफ्टर फोर ईयर्स अराउंड थ्री वीक्स बैक आई वॉज है वर्ड विद पर्सन तो उसका एक स्टेटमेंट था कि राइट नाउ आई मेन फेस दैट आई एम एम मेकिंग माई वीकली टू डू लि Okay. Okay. I mean, not, not in that phase that I want to maybe crack the next cat or be the you, be a topper at UPSC or whatever. Right. Mm. Those ambitions <laughs> And and that person was very happy with that life. He was said, He said that I just want to go into some MNC, work there nine to five, and after that I want to specifically focus on my mental health, on my ambition, my bucket list. And what is his ambition?

I want to achieve all of those dreams ASAP, and I'm loving the struggle here, the hustle here. Being I mean, an entrepreneur, uh, is relationship a hindrance for something? Depends from person to person again. Okay. आप कितना रहे dedicated entrepreneur वो भी है जो 9 to 5 से अपने office कोड़ा अपने startup कोड़ा इंद्रने entrepreneur वो भी जो 9 to 12 time दे रहा हो, right? तो it depends from person to person. हर इंसान का startup में उसका ecosystem उसका routine अलग-अलग होता है. एंड सब अच्छा कर रहे होते हैं सब अपने टाइम पर अच्छा कर रहे होते हैं मे बी मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम मॉर्निंग का होगा उसका रात का होगा मे बी उसका बारह घंटा होगा मैं चार घंटे में वो काम कर सकता हूँ तो इट्स वेरी तो आई डोंट थिंक रिलेशनशिप बेसिकली इट्स अ अंड हाँ बट फॉर स्पेसिफिकली मी आई आई डोंट वॉन्ट टू आई मीन आई वॉन्ट अ पिन पॉइंट फोकस इन माई लाइफ पीपल डू रीच आउट फॉर

दिक दैट माइट हेल्प यू और इवन द जॉब इज़ द राइट वे कि अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है वेर एवर यू आर यू आर डूइंग गुड जॉब इज ऑब्वियसली ऑल्सो द राइट वे बिकॉज ओके यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग स्टार्टअप में इसलिए आते हैं मैंने जितना अभी तक सोना जितने लोगों से बातें की यूथ से ड्रॉप आउट्स फ्राम कॉलेजेस से जॉब के स्टार्टअप करने वालों से दो तीन स्टेटमेंट्स आते हैं आई डोंट टू डू दैट नाइन टू फाइव जॉब पॉइंट वन इसलिए मैं स्टार्टअप करूँगा पॉइंट टू जो मैंने जॉब वाले सुनाए वो ये है कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस मैंने कहा ओके लेट मी टेल यू ये दोनों से गलत है एक्जैक्टली एकदम गलत है यू आर नॉट योर ओन बॉस इन ऑनटरप्रीनरशिप इको सिस्टम आप स्टार्टअप में अपने टीम को नहीं सुनाओगे आपको लात मार के बाहर कर देंगे वो लोग हमारा आप एक बात बताओ जैसे नाइन टू फाइव के अलावा हाउ मच टाइम डू यू एक्चुअली स्पेंड फॉर यूर कंपनी बिकॉज देर मे दैट पीपल थिंक ही मतलब खुद की कंपनी यार 95 नहीं करना इट 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 लिटरली वेरीज मेरे बहुत सारे ऐसे दिन में सिर्फ 6 आवर्स काम किया होगा मैंने और बहुत सारे दिन में 16 आवर्स काम किया होगा मैंने अब एवरेज ले लो एट टू टेन आवर्स वट मोर देन दट इनिशियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा था अब हमारा मोस्टली टाइम एडिशन में जाता है तो अगर हम सोने भी जा रहे हो तो रात में तो हम सोच रहे होते हैं कि कल का मार्गदीप स्ट्रैटी का थ्योरी का वो प्रोसेस क्या होगा

विल हैव टू स्ट्रगल प्रूव योर फैमीज़ तो इट्स नॉट दैट ईज़ी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत होते हैं कि नाइन टू फाइव जॉब से बचने के लिए हम स्टार्टअप कर लेंगे या फिर अपना बॉस बनने के लिए हम स्टार्टअप कर लेंगे या बहुत पैसा है ऐसा नहीं है आपको बाइजूस एक हज़ार एक लाख लोगों में एक दिख रहा exactly. है जो पैसा कमा रहा है ऐसे नौ सौ निन्यानवे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप किया होगा जिनका वो नहीं चल पाया होगा तो पैसा नहीं है ऐसा नहीं है कि पैसा वहाँ है इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली जॉब में भी उतना पैसा है

या जो भी अगर वो बिजनेस कर रहा है वो उस चीज़ में बेस्ट माइंडसेट आई ओनली बिलीव इन वन थिंग ड्रीमिंग बिग एंड अचीविंग इट अब वो ड्रीम ड्रीमिंग किसी हर तरीके का हो सकता है अगर वो जॉब कर रहा है उसका ड्रीम हो सकता है नेक्स्ट सीएमओ बनना उस कंपनी का हम्म hmm. अगर वो स्टार्टअप कर रहा है उसका हो सकता है नेक्स्ट बनना अगर वो एट द एज ऑफ ट्वेंटी उसका ड्रीम हो सकता है आईपीएस बनना सो यू जस्ट हैव टू हैव दैट आई वुड से एक सनक होनी चाहिए वो दिमाग में बिकॉज अगर वो आपके दिमाग में वो सनक नहीं है आपके दिमाग में वो पागलपन नहीं है वो मैडनेस नहीं है ना तो मोटिवेशन जाएगी ही जाएगी एक नक टाइम पर तो इफ़ यू हैव डैट मैडनेस टू अचीव दैट स्पेसिफिक थिंग विच यू हैव ड्रेम्ड ऑफ़, जो आपने सोचा है जो आपने ख्वाब देखा है तो आई थिंक ओनली देट मैडनेस अगर वो मैडनेस है फिर तो आप सोलह घंटा काम करोगे मज़ा आ रहा होगा उसमें जैसे और लोग बोलते हैं बड़ा सोचो थिंक बिग बट

उसमें से निकल के आके यू चोज़ टू बी एन राइट सो वट वॉज योर माइंड सेट वो कैसे बनाना मतलब हाउ टू बिल्ड द राइट माइंड मतलब राइट माइंड सेट एक्चुअली एक तो कि इंसान जब ड्रीम बिग करता है वो ड्रीम बिक कहाँ से करता है वो अपने आसपास की दुनिया से करता है अगर एक बच्चा टी वे सिटी में ये देख रहा है कि उसको मे बी नेक्स्ट आई पी एस ऑफिसर बनना है तो वो इसलिए देख रहा होगा बिकॉज उसको टी वी पर एक आई पी एस ऑफिसर देख देखा होगा या उसके अराउंड उसके मे बी गाँव में एक बार वो आया होगा तो उसने बोला होगा भाई मेरे को ये उसके रीजंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं मे बी स्वाइप बनना है बिकॉज उसने uh, दस गाड़ी आती हुई देखी उनके गाँव में राइट right. तो एक एक झील पकड़नी होती है कि हम हमें क्यों करना है वो वैन यू हैव द रीज़न फॉर वाई यू विल फिगर आउट हाउ वॉट एक्सेट्रा 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 सो डराउंडिंग मैटर्स आई थिंक टू टू टिल समस्टेंट ओके बट अगेन जिसको करना है वो तो करेगा ही

अपने अगर मैं मार्केटिंग अच्छा हम में से लाइक आई मार्केटिंग आई एम नॉट फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड तो आई लर्न ट्राई टू रिसर्च अबाउट थिंग्स आई वेंट टू पीपल हैव डन मार्केटिंग आई टॉक टू द बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स ऑफ बायजूज क्या आप बेचते कैसे हो बहुत सारे बाइजूज के बिजनेस डेवलपमेंट से बात की ए, एक दो बार तो कस्टमर बन के गया उनके पास उन्होंने मुझे पिच किया उसमें चार बार मेरे को और कॉल किया पाँच बार मैंने ब्लॉक कर दिया अलग बात है सो यू हैव टू बी द कस्टमर एंड फिगर आउट कि यार कैसे आपको पिच कर पिछजैक्टली exactly. तो आप उनके पास जाओगे जो वो कर चुके हैं बिकॉज बुक्स तो आपको सब कुछ नहीं बताएंगे सोशल मीडिया आपको पॉइंटर्स बता देगा फैक्ट्स बता देगा तरीका बता देगा बट वो जो इमोशनल एक पूरा पूरा जर्नी जिसने वो की है ना वो एक्जैक्टली exactly बता पाएगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा आई ऑलवेज बिलीव इन नेटवर्किंग लेटवर्क हेल्प मी आर लॉट थोड़ा so, वो जो भी किया है वो इसीलिए बिकॉज आई नेटवर्क्ड विद पीपल आई उन लोगों के बिना शायद मार्च नहीं होता देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक अफ्रीकन से चाइनीज से कुछ था देर दिस कॉन्सेप्ट उबंतु मैंने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था आई एम बिकॉज वी आर पे कॉन्सेप्ट एक स्टोरी थी जहाँ पे uh, एक एक आई जस्ट आई मीन नरेट स्टोरी छोटा सा mm -hmm. कि एक गांव में एक ट्री था था बेसिकली एंड उन बच्चों से ये बोला गया था कि उसमें कॉन्सेप्ट उनका यह था कि जो फ्रूट्स लगते थे, थे उस ट्री पे वो उसका कोई एक मालिक बन जाता था तो वहाँ के जो भी लीडर थे उसने बोला कि जो इस टाइम पे भाग के सबसे पहले उस पेड़ को टच करेगा नेक्स्ट छः महीना नेक्स्ट साल भर नेक्स्ट जो भी टाइम पीरियड वो उसका पेड़ हो गया टाइम का उन्होंने स्टार्ट किया तो वॉड दो वो तो जो किड्स थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया उन्होंने हाथ में हाथ मिलाए और भाग के गए और पेड़ को चारों तरफ से पकड़ लिया ओके okay. ओके okay. तो यहाँ पे फिर उसने बोला उ बंतु विच मीन्स अच्छा साइंटिस्ट ने यहाँ पूछा कि यार तुम लोगों से एक क्यों नहीं गया तुम सब क्यों गए तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे हैं बिकॉज हम सब हैं यहाँ पे आई एम बिकॉज वी आर वाला कॉन्सेप्ट था ओके तो आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते राइट यू विल हैव टू रीच आउट टू पीपल अराउंड यू यू विल हैव टू बिल्ड अ टीम यू विल हैव टू नेटवर्क एंड देन मे बी यू कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग समथिंग बिग फॉर द पीपल सो या

एम्बेथिकट बिकॉज पर्सनलाइजिंग का कॉन्प्ट हमेशा वही आता है कि एवरी वन नीड एर ओन स्पेस एंड टाइम टू लर्न हर एक बच्चे को एक अपना स्पेस एंड टाइम मिल जाएगा तो वो बैक बेंचर हो या ना हो वो नाइन्टी परसेंट ला सकता है वो फ्रंट बेंचर हो या ना हो hmm. वो उसको वो इकोसिसम मिल सकता है तो पर्सनलाइजेशन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो हमने हमारे हर मॉडल में हमने हमारे एडुसेंटर्स हैं वहाँ पर अराउंड हमारा इकोसिसम बिल्ड हुआ है तो हाँ दैट्स द विजन ऑफ पर्सन एजुकेशन मेकिंग दर्ल्डल एक्सेसिबल बिकॉज एजुकेशन इज ओनली द टूल टू इराडिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड एजुकेशन टूल हर एक इंसान के पास मिल जाती है एंड इफ इज एम्पावर्ड विद टूल आई थिंक mean. I will, I'm learning, I've learned and I'll be learning till my last. It's a learning journey. We learn something daily from books, from people around you, from my interns, from people who I'm working with. I do read books. Actually, it's become quite irregular now. Actually, I, my hobby is to uh, buy books, beautify my bookshelves, take ah. pictures and then start one book. Okay. So uh, I have a lot of books at my home. जो मैं बहुत टारगेट करता हूँ आई आई लव रीडिंग नॉन फिक्शन मैं फिक्शन नहीं पढ़ता मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है आई हैव दिस रिसेंटली आई स्टार्ट दिस बुक ऑफ ही स्टार्टकूजा सी उसकी बुक है स्टार्टअप फंड रेजिंग के ऊपर एक बहुत प्यारी बुक है तो आई दैट ऑथर टू

Which offers a suite of digital tools to connect learners and educators. Simple, we have Facebook as a social networking platform, hmm. LinkedIn as a professional networking platform, Google is an educational networking platform. Okay. Okay. Which is providing a suite of tools. In this pandemic, we have used Google use kiya. Google ke form, slides, classroom, meet, etc. etc. There tools. Apne -apne functions. Gurukul is also building tools to connect learners and educators. गूगल individual individual all, all okay. का एक एडूवर्स है जी मेल पे आप जाते हो नाइन डॉट होते तो हैं क्लिक करते हो सारे मिलते हैं hmm. तो एंड में एक एडूवर्स लॉन्च करेगा तो हम एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जैसे कि आप तुषार हो आप तुषार आप लिंग इन पर बहुत प्रोफेशनल बातें करते होगा राइट आप वही तुषार हो जो इंस्टाग्राम पर आके बहुत कुल बनने की कोशिश करते हैं फोटो डालते हैं आप वही तुषार हो ट्विटर पर आके एक्टिविस्ट बनते हो एक्ट राइट सेम इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट पर्सोनास तो आपका एक लर्नर एजुकेट वाला पर्सन गुरुकुल होगा जहाँ पे आप लर्निंग एंड ड्रॉइंग की बात करोगे ओके तो ये गुरुकुल होगा तो अभी तक ऐसा किसी ने नहीं है किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात नहीं की एजुकेशन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की नो वन हैज बिल्टेड या हमारे इंडिविजुअल जो हम फीचर्स बिल्ड करें उससे कॉम्पिटेटर्स हो सकते हैं बट द अल्टीमेट बिगर पार्ट ऑफ द पिक्चर्स आई डोंट थिंक एनी वन हैज बिल्टेड

वो इसलिए भी बिकॉज उनकी इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है hmm. कल को वो कहीं भी जाएंगे दिल हैव ऑल ऑफ दीज स्किल्स सो आई ऑलवेज ट्राई टू नर्चर एम इन टू अ एस्पेक्ट वेयर दे लर्न एवरीथिंग वेयर दे लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ स्टार्टअप चाहे वो मेरे से इन्वेस्टमेंट का ही कुछ हैंडल क्यों नहीं करा उसको पता होना चाहिए कि मैंने सेल्स के डिसीजन कौन से कब लिए और क्यों लिए हैं कंपनी में सो दैट्स हाउ द पीपल हु वर्क विथ मी आर आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट एट ऑल मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद नंबर्स तो आप मेरे साथ काम करते रहो आपको मैं स्पून फिट करता रहूँगा बट uh, हाँ अगर स्पून फिट करने <coughs> के बाद भी अगर वो आपके अंदर झील नहीं दिखेगी तो मेरे को बहुत मजा नहीं आएगा काम करने में बट रिसेंटली एक बार हुआ था कि आई हैड माई बर्थडे लास्ट मंथ आई मीन दिस मंथ ओनली पहले ही तो uh, जो द वन ऑफ द इंटर्नस वॉज वर्किंग विथ मी रात में अराउंड ट्वेल्व थर्टी एम शी मैसेज टू मी लंबा हैपी बर्थ डे भाई ऑल ऑफ डेट स्टाफ एंड लेट्स मेक गुरुकुल गेट टुगेदर तो दैट स्पेसिफिक लाइन आई वो दैट द बेस्ट बर्थडे इज आई गॉट ऑन दैट स्पेसिफिक लाइन इफ शी ज़ील जिनको हम बहुत नॉमिनल पे करते हैंज लुक फॉर्वर्ड टू विद दीपल आई वर्क विदिडर की आपसे एक कॉलेज का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट पूछ रहा है वेल आई हैव एक्चुअली ग्रेजुएटेड बट स्टिल कंसिडर मी जैसे आई हैव सम प्लान्स आई हैव दैट हैवीन आई हैव दैट मोटिवेशन ऑल दिस थिंग्स हाउ शुड आई स्टार्ट अ स्टार्टअप सो आपका प्लान है आइडिया है सब कुछ है स्टेप वन स्टेप टू विल मेक अ टीम ओके अच्छा टीम कहाँ से बनेगा अपना राउंड देखोगे आपके बेस्ट लोग कौन है जो आपको लगता है आपको इस स्टार्टअप में हेल्प कर सकते हैं दे मे नॉट बी योर फ्रेंड्स फ्रेंड का फ्रेंड ठीक है आप उनको रीच आउट कर सकते हो स्टार्टिंग में लोग बहुत ये होते हैं टीम बिल्डिंग पे hmm. कि आप तो मेरे कम्य चार दोस्तों को लेके कल को देर आर क्लासेस देर आर वो वो बेसिकली वो, वो सिंक नहीं है वो सिनर्जी नहीं है सो so, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी और रीचआउट कर फाउंडर बनाओ अभी तो एक नया स्टार्टअप भी आ गया यू है ओके एंड यू कैन सर्च फॉर अ कोफाउंडर देयर हु हु विल हेल्प यू टू बिल्ड इट उनके प्रोफाइल्स होंगे लोग अपने आप को एनलिस करेंगे ओके मैं नाम भूल रहा हूं तो ऐसे स्टार्टअप है तो आप एक टीम बिल्ड करोगे और आप प्लान ऑफ एक्शन एक विजन तैयार करोगे इससे मुझे ये करना है स्टार्टअप का मेरा बेसिकली जील ये है और फिर आप नेक्स्ट एक महीने का गोल बनाओगे फ्यू मंथ्स बैक आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ स्टार्टअप फाउंडर व्हिच इज़ वर्थ मोर देन थाउजेंड करोस तो उसके फाउंडर से मेरी बात हो रही थी तो उनका सिर्फ सवाल मेरा उन्होंने ये कहा था अभी यहाँ से घर जाके पहला काम क्या करोगे का मुझे ये बताओ mm. और नेक्स्ट एक हफ्ते तक क्या करोगे उससे कुछ फिगर आउट कि मेरा पेस क्या है स्टार्टअप का मैं किस तर, किस लेवल से ग्रोथ कर रहा हूँ तो हमारा सिर्फ नेक्स्ट हम प्लान तो साल साल ही कर लेते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हम नेक्स्ट एक हफ़्ता क्या करने वाले हैं mm. उस स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए तो अगर आप एक लॉन्गर पार्ट ऑफ द पिक्चर बिल्ड कर दोगे और फिर शॉर्ट शॉर्ट में इसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल बी एबल टू

कल ही स्टार्ट करो कुछ ना कुछ करो बट स्टार्ट मेरे को एक एक फील आया वो आई एम जस्ट क्लियर यू डोंट वांट टू मेक थिंग्स मोर हार्डर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड यू बिलीव इन मेकिंग थिंग्स इजी सिंपल क्योंकि सिंपल रखो तो फैंसी स्टार्टअप कल्चर जो है तो नॉर्मल एक बंदा क्या करेगा स्टार्टअपान का प्लेटफॉर्म ले लेगा स्लैक ले लेगा ले ले ले। और ये सारे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स uh, होते हैं जो स्टार्टअप एनेबल करते हैं वो सब ले, ले लेंगे किस काम के लिए इंटरेक्ट करने के लिए तो रिसेंटली मैट मेट समवन जिसकी टीम अराउंड छः लोग के थी, की थी स्टार्टअप की ओके और उन्होंने स्लैक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने अभी तक तो नहीं लिखा एक सौ बीस की टीम है हमारी क्यों क्योंकि हम स्लैक पर बात करेंगे स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए मैंने कहा वाई डू यू नीड दिस फैंसी टूल्स टूल्सली वाई यू मेक इट सिंपल व्हाट्सएप व्हाट्सअप बात करो ना यार या फिर आई I मीन mean, इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की आसाना एक प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम लोग अब जाकर यूज़ करते हैं मैन वी हैव अ टीम ऑफ एंड तो प्रोजेक्ट एनालिसिस करने के लिए अंदर ट्रैक करने के लिए

जो जिस चीज में परफेक्ट है आप, आप उसको <coughs> वो लोग वे स्टार्ट एक्टिव नॉट मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड कि हमें स्टार्ट डेवलपर <coughs> चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए स्टार्ट स्टार्ट तो करो एक बार इट स्टार्ट स्टार्टेड ऑन आप धीरे धीरे चीजें करोगे अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं uh, हम लोगों ने तो हमेशा से ही हमने जितना भी विजन किया हमने स्टार्ट किया सिर्फ हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दो प्लान किए और नेक्स्ट डे स्टोर कर देखा जाएगा एमबिशियस टारगेट्स रखे बहुत बट टारगेट्स हमारे मीट नहीं हुआ हमने खुद सेट किया टारगेट हमने सिर्फ उसको मीट भी नहीं किया बटी फिफ्टी परसेंट मीट कर दिया था वॉट्स मी एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू बिल्ड अ पर्सनैटी वेयर पीपल ओके आई टेल यू मैं जब स्कूल में था तो आई वॉज अ बैक बेंचर ठीक है बट आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स मेरे फ्रेंड्स जो बैक बेंचर बैठे थे था, वो वैसे नहीं थे मार्क्स या आई बिलीव तो आई मीट बोथ ऑफ इट बिकॉज मेरे घर का प्रेशर रहता था ओके एक्सपाइड रीजन दूसरा मेरे अंदर एक ये रीज़न हमेशा रहता था कि यार मुझे इनको ये दिखाना है अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है अगर मेरे जैसा बच्चा कर सकता है जो क्लास में टॉपर नहीं था जो बोर्ड्स का टॉपर नहीं था जिसके पास ये ऑल ऑफ दिस फैंसी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं थी इफ ए पर्सन लाइक मी कैन डू इट जिसके बाद बहुत फैमिली का फंड का बैकअप नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था वैसे टाइप ऑफ स्टूडेंट थे जैसे क्लास में थे बहुत शांत से थोड़े से दबे हुए से वैसे टाइप ऑफ स्टूडेंट थे आप अपने स्कूल टाइम पे नहीं आई हैव बीन अ वेरी लाइक थोड़ा मस्ती को मस्ती एंड आई हैव बीन बोथ लाइक आई हैव ऑलवेज बीन इन द कोकरिकुलर एक्टिविटीज आई हैव बीन इन टू स्पीचेस आई हैव बीन टू डिक्लेमेशंस एट द सेम टाइम आई हैव बीन कॉल्ड एट द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर डूइंग समथिंग और द अदर ओके तो आई हैव बीन दिस टाइम पे वो दिसम पैल ही मेरे को अवार्ड मिला था अगले दिन मैं गया था वॉशरूम हाथ धो रहा था नली टूट गया था सो आई 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 हैड टू 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 पे अ फाइन समथिंग तो हैव हैव बीन दिस एंड ट्राइड शो माय फ्रेंड्स कि यार देखो मैं कर सकता हूं ना अगर अगर मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के तुम्हारे साथ खेल के तुम्हारे साथ सारी पार्टीज करके 85% फाइव परसेंट ला सकता तो तुम्हें ला सकते हो तो ये विजन मेरा हमेशा एक बैकअप ऑफ द रहता है कि मैं जो ये दिखाना होता है कि अगर मेरे जैसे बच्चा एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकता है एक मे बी कल को यूनिकॉर्न बिल्ड कर सकता है तो आई थिंक एनी एनी वन कैन डू इट एंड मैं ये कोशिश भी करता हूँ लाइक आई हैव बी द हु हैज ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिंग एवरी वन टुगेदर ओके लाइक मेरे को अब जब स्टार्टअप में आप आते हो तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो मैंने चार फ्रेंड्स को बुलाकर अपनी टीम में बिठा लिया कि भाई इनसे मिलने बात है चलो साथ में काम करते हैं ओके वर्किंग वर्किंग विद विद यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर मी ओके तो जिन जो छूट जाते हैं उनको ऑफर ऑफर दे के थोड़ा बहुत करा के मैंने कहा चलो साथ काम करते हैं And then I mean I, I, I कोशिश हूं कि उनको और लाइक like, साथ हाँ लाइक साथ, कर हा, like, साथ ग्रो करते हैं सो हमारा पर्सनली योर विजन इज ऑन मनी साइड और उसके बाद सब कुछ आ जाएगा अच्छा ये होगा तो एक बार इम्पैक्ट क्रिएट कर दोगे ना आप आई थिंक एवरी थिंग फॉलोज मनी नॉट अट ऑल डू यू बिलीव इन रूटीन yes, i do believe in routine. what is your general routine that you follow every day? i am a two-dimensional two person. okay. i, the last four or five months, say, mostly routine, basically I, I, okay, I wake up at around 9 a.m. i go to office at 11, 10 .30, 11. i work till 6, 6.30. 6 i take a break for two, three hours. i go out. i maybe sometimes go on solo dates. I I I I go with friends. I myself. I get back home. again sit at 12 a.m. ट बैक होम आई अगेन्ट because that's my personal me time यहाँ पे मैं अकेला because office में, people, people exactly. में ideate कर पाता हूँ plans तैयार कर पाता हूँ और उनको execute करता हूँ day में So उस time पर बिल्कुल अकेले रहता हूँ घर पर एक छोटा सा sit ऑफिस बना रखा है तो इधर तो वो रहता है मेरा या वेन आई टेक आई समटाइम्स वर्क इन अर्ली मॉर्निंग्स आई वर्क फ्राम सिक्स एम टाइम वो सिक्स टू नाइन शिफ्ट हो जाता है एंड आई स्लीप स्लीपर ट्वे एम ऐसे रहता है तो दोनों टाइम्स रहे हैं मेरे आई थिंक रूटीन नीड्स टू बी देयर एनर्जी नीड्स टू बी देर नॉट स्पेसिफिकलीफ इट दैट बुक्स वो क्या चीज़ है जो आपको हर दिन एक नए आइडिएशन के लिए हेल्प करती है इज़ इट योअर बुक्स इट इज़ इज इट यूर यू आर वॉचिंग समथिंग क्या आप किसी से बात करते हो आपको कुछ एक नया आइडिया आता है आई वुड से नो स्पेसिफिक थिंग कहीं से भी आ जाता है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे डेली में एम सी डी के तो वहाँ पे uh, अपने इलेक्शन में मिस कॉल भी होते हैं राइट मिस कॉल दो हमारे पार्टी शुरू तो ऐसे ही वन ऑफ माई जो हमारी टीम लीड है आदिल उसके माइंड में बैठे बैठे आइडिया आया कि लेट्स यूज दिस मिस कॉल कैंपेन ऑफ तो द इलेक्शन फॉर आर पढ़ाई लॉन्च आप एक मिस कॉल दो हाँ, आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी ये हमारा कैंपेन प्लान था ओके okay. कि हु वॉन्ट्स टू जस्ट गिव अब हमने स्पेसिफिक नंबर खरीद लिया उस तो पर आप मिस कॉल दो आपको पढ़ाई डाउनलोड करा के पढ़ाई पर आपको नेविगेशन तक हमारी टीम सिखाएगी कॉल पर ओके okay. तो मिस कॉल कैंपेन का कहाँ से इंस्परेशन आया पोलिटिकल पार्टीज से आया किसी से बात कर रहे होते तो वहाँ से एक आइडिया आ जाता है किसी कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटी देख रहे होते आइडिया बन जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंक अगर उसको इज यवेशन ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा डीप में थ्री ऑब्जर्विंग सुनते रहो सोचते रहो और देखते रहो वहां से आपको भी मिलेगा आपको सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी आपको ये भी मिलेगा कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे है आपको कौन सा लूप होल्स है वो सब मिलेगा बट यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट लिसन एंड थिंक एंड वॉट यू थिंक द यंग ऑडियंस इज डूंग मतलब अभी के लिए क्या वो गलतियाँ करे जिस वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही या ड्रीम्स ड्रीम्स रह गए एम्बिशंस रह गए ड्रीम्स में भी इसलिए बिकॉज वो फ्लैशी वर्ल्ड से फैसिनेटेड है लाइक लाइक आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्टार्टअप बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग स्टार्टअप आई वॉन्ट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर बिकॉज आज कल इन्फ्लुंसर वाला मॉडल चल रहा है क्रेजीनेस क्रेजीनेस तो जो आसपास से इंसान फैसला तो वो नंबर रहता नहीं है आई डेट कि यू नीड टू फिगर आउट वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट नॉट बिकॉज आपके साथ के साथ चार लोग कर रहे हैं नॉट बिकॉज इंस्टाग्राम पे उसको ब्लूटिक मिल गया है तो वो इम्पोर्टेंट है सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी कर रहे है? Exactly. नहीं करना है राइट यू यूनी टू हैव अ विजन बिहाइंड दैट तो एक पॉइंट ये रहता है

ना ही मेरे को ये पता कि मैं किस तरीके से चलूंगा कौन से रास्ते से करूँगा किसी जॉब में करूंगा बिजनेस से करूँगा या कुछ एजेंसी के थ्रू करूंगा रिस्टर आई हैव नो आइडिया बट इट इज जस्ट माई ड्रीम की मेरे को चीज़ करना है एक्चुअली बी अ वेरी रिच गाय फॉर एक्स वाई जी रीजन राइट सो फर्स्ट आप उस चीज को डिसाइड करो आप डू समथिंग डू एनी थिंग ट्राई करो बिकॉज ट्वेंटीमेंट करना है मुझे नहीं पता मैं किसी चीज में अच्छा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैं बात करता हूँ की यार मुझे नहीं पता मैं शायद एम बी ए कर मैं भी एम बी ए कर लेता हूँ तो हमारे साथ भी होता है बहुत सारे लोग जो हमें ज्वाइन करते स्टार्टअप्स में हमें नहीं पता होता कि ये बंदा कहाँ परफेक्टली फिट होगा डोंट वन नो द फुल फॉर्म ऑफ राइट तो वो तो बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पीपल पीपल okay. चलो ये भी करते ये भी करते ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते फिगर आउट मैंने बस समझ में, में आता है कि ये बंदा इस टेबल पर इससे अच्छा कुछ नहीं कर इससे अच्छा कोई और नहीं कर पाएगा टू वी फिगर आउट तो आपको भी लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे विल हैव टू गो टू गो इन टू लेट सपोज यू आर आर यू अ बैचलर्स इन इकॉनॉमिक्स स्टूडेंट मे बी यू विल गो एंड अब बहुत लोग क्या करते हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा वर्ट दे डू दे ओनली सर्च फॉर इंटर्नशिप इन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स उनको फिगर आउट ही नहीं करना और सारी चीज़ें क्या है तो आई बिलीव दैट इफ यू आर परसूंग एक्सप्राइज कोर्स एंड इफ यू डोंट हैव अ गोल यू हैव टू फिगर आउट आपको क्या करना है लाइफ में यू विल गो एंड एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग थिंग यू विल गो एंड सी मार्केटिंग कैसा होता है Not with videos, but maybe you do an internship there. Then you will go and check out what production. You will go and check out what, what research. And if you have field, I want to become something best in this field, something great in this field. So it is something The first thing is set a goal and then decide right. and then explore and experiment something which will give you the right answer. Oops. Obviously. Okay. So experiments.

वॉट इज़ एनर्जी मतलब आपको क्या एनर्जी लाते हैं टू डू द बेस्ट इन यू नो इन योर लाइफ एक्चुअली एनर्जी कम्स फ्राम द पीपल अराउंड मी ओकेट देो आर बिल्डिंग ग्रेट थिंग्स दे आर ट्राइंग टू बिल्ड उनको देखे अपने अंदर एनर्जी हम भी बिल्ड करते हैं तो या आई थिंक कुछ भी जिंदगी में बड़ा करना है आपको एक्चुअली कुछ बड़ा क्या कुछ कुछ भी गोल अचीव करना है आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए आपको इफ़ यू आर नॉट पैशनेटाउट फॉर डैट